हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा डिज्नी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मुलान की। वैसे आपको बता दूं कि यह फिल्म डिज्नी की 1998 में बनी फिल्म मुलान की रीमेक है और यह फिल्म एक लाइव एक्शन एडप्शन फिल्म है। मुलान एनिमेटेड मूवी बहुत ही सक्सेस हुई थी। इसके बाद 2004 में इसका दूसरा पार्ट भी आया था और वह भी लोगों को काफी अच्छा लगा था। वैसे मुलान मूवी एक सीरियस सब्जेक्ट पर बेस्ड है, पर एनिमेशन मूवी में मुशु नाम का छोटा सा ड्रैगन था जो मुलान के साथ मिलकर उसकी हेल्प करता है और मुशु का कैरेक्टर बहुत ही कॉमेडी और एंटरटेनर था। पर इस लाइव एक्शन मूवी में मुशु नहीं है और यह एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि मुलान एनिमेटेड मूवी की सक्सेस में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। पर शायद डिज्नी इस फिल्म में चाइनीज कल्चर को बहुत ही सीरियसली दिखाना चाहता है और माना जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने में डिज्नी ने 700 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च किया हुआ है। अगर आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ही इस वीडियो को देखें। वैसे यह मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, तो आप उसे देखकर समझना चाहते हो तो प्लीज स्किप द वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मुलान की फुल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मुलान मूवी को IMDb पर 5/10 स्कोर मिला है जो काफी लो स्कोर है, पर रोटन टोमेटोज पर इसे 81% जितना बहुत ही बढ़िया स्कोर मिला है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। की शुरुआत होती है एक प्यारी सी बच्ची को दिखाकर जो चिकन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी थी और बहुत भारी जहमत के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ लेती है। वो लड़की काफी बहादुर और होशियार थी और उसका नाम मुलान था। मुलान के लिए उसके पापा तजीमा ही सब कुछ थे। जहाँ पर लोग मुलान की लड़कों के जैसी हरकत पर नाराज हुआ करते थे, वही तजीमा उसको सपोर्ट कर रहे थे। अपनी बच्ची की ऐसी हरकतों से नाराज होकर मुलान की माँ और उसके पापा के बीच बहस भी होती थी, पर फिर भी मुलान के पापा हमेशा उसकी ही साइड लेते थे। वह कहते थे कि हमारी बस एक ही संतान है, अब बेटा समझो या बेटी, बस मुलान ही है। चाइना में शांति कायम थी, तभी एक इंसान उस शांति में भंग करके पूरे चाइना पर फतेह पाकर उस पर राज करना चाहता था। वो बहुत ही खूंखार, डरावना और बहुत ही बहादुर था। उसको हराना नामुमकिन था। उसका नाम बोरी खान था। बोरी खान के पास जियाना अंग नाम की एक जादूगरनी थी। अब वह दोनों साथ में हो तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। अब बोरी खान एक एक करके चीन के प्रांतों पर विजय पाकर अपना डर फैलाता जा रहा था। बोरी खान के आतंक को खत्म करने के लिए चाइना के एम्परर, जिनका किरदार फेमस मार्शल आर्ट एक्टर जेटली ने प्ले किया है, वह एक फरमान करते हैं कि चाइना में हर घर में से एक आदमी को सेना में आना पड़ेगा, जिससे हम साथ मिलकर उस कातिल बोरी खान को हरा कर उसके खौफ से चीन को आजाद कर सके। अब सैनिक वो फरमान सुना रहे थे, तभी मुलान के पापा के घर की बारी आती है। अब उनके घर में कोई भी लड़का नहीं था, तो तजीमा लड़ने की कोई कंडीशन में नहीं थे क्योंकि पहले से उनका पैर जख्मी था, पर फिर भी वो सेना में शामिल होने को तैयार हो जाते। मुलान इस बात से वरीड हो जाती है। उसे पता था कि उसके पापा बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे। वह उन्हें बहुत चाहती थी, तो आखिर मुलान अपने पापा के सारे हथियार लेकर एक लड़के के वेश में निकल जाते हैं, जिससे वो अपने पापा को बचा सके। अब मुलान की मुलाकात कमांडर टंग से होती है, जिनका रोल डोनी येन प्ले कर रहे, जिनको हम इससे पहले द इप मैन मूवी में देख चुके हैं। वह मुलान को उसका नाम पूछते है, तो मुलान कहते है कि उसका नाम होजन है। मुलान की जो हॉजन बनकर उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुकी थी, उसको वहां पर काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर सभी लड़के थे और ऊपर से उनकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड थी। उसमें अच्छे खासे लड़के भी थक जाते थे, तो यह तो बिचारी एक मासूम लड़की थी। पर मुलान बचपन से ही लड़कों के जैसी थी। वह धीरे धीरे उस ट्रेनिंग को पार कर लेती है और सब लोगों में अपना एक अच्छा प्लेस बना देती है। सब लोग उसको हॉजन समझ कर सपोर्ट भी कर रहे थे। दूसरी ओर बोरी खान अपने साथियों को कहता है कि हमने जो भी चोरियां की है और कई लोगों को मारा है, पर इतना काफी नहीं है। उस एम्परर ने पिछली लड़ाई में मेरे पापा को मार डाला था, तो अब मैं उस बात का बदला लूंगा और फिर चाइना का नया एम्परर बनकर पूरी चाइना पर राज करूंगा। और इस बार उसके पास वो महान जादूगरनी भी थी जो यह लड़ाई बोरी खान को आसानी से जीता सकती थी। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब एम्परर के सैनिक, जिनमें मुलान भी शामिल थी, और बोरी खान के साथियों के बीच में मुकाबला होता है। अब बोरी खान अपने कुछ साथियों को लेकर वहां से भागता है, तो उसके पीछे कुछ एम्परर सेना के सैनिक भी जाते हैं। अब उनमें मुलान भी थी। वहां पर वह बोरी खान के साथियों से मुकाबला करती है। अब धीरे धीरे एम्परर के सारे सैनिक मारे जाते हैं, सिर्फ मुलान ही बच जाती है।
वहां पर बहुत गहरा कोहरा यानी कि फोग था। मुलान को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर वो जादूगरनी आती है, वो मुलान पर हमला कर देती है। अब उन दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर होती है, पर आखिरकार वो एक जादूगरनी थी तो वह मुलान पर ब्लेड से हमला करती है, तो वह ब्लेड मुलान को लगते है और वह उछल कर गिर जाती है और चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। मुलान होश में आती है और देखती है कि उसने एक बख्तर पहना हुआ था, तो वह ब्लेड उसे नहीं लगी थी और वह बच गई थी। अब मुलान अपने होजान के लड़के के अवतार को छोड़कर अपनी असलियत के साथ मैदान पर वापस आती है। वहां पर उसकी आर्मी की बहुत ही खराब हालत थी, तो मुलान अपने साथियों को बचाने के लिए बोरी खान के साथियों पर छुपकर हमला करती है और तब बोरी खान के साथी उस पर बड़ा अक्का गोला फेंकते है। उसमें मुलान तो बच जाती है, पर वह गोला बर्फ के पहाड़ पर गिरता है और फिर उसमें से बर्फ का तूफान आता है और बोरी खान के बहुत सारे साथी उसमें दबकर मर जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है। सब लोग जान लेते हैं कि होजान के वेश में मुलान नाम की एक लड़की थी। वह कमांडर टंग से मिलते और माफी मांगते, पर आखिर उसने रूल तोड़ा था और झूठ भी बोला था, तो कमांडर टंग मुलान को गद्दार करार करके उस एम्परर सेना से निकाल देते है। अब मुलान वहां से चली जाती है और तभी उसको वह जादूगरनी आकर मिलती है और मुलान से कहती है कि बोरी खान चिनकी सल्तनत से ज्यादा एम्परर को मारना चाहता है और अपना बदला लेना चाहता है। वह तुम्हारी सेना को गुमराह कर रहा है। यहाँ पर तुम सब बोरी खान के साथियों से मुकाबला करने में रह जाओगे और वहाँ पर वह तुम्हारे एम्परर को मार डालेगा। जादूगरनी कहती है कि वह बोरी खान को एम्परर की हत्या में साथ देना नहीं चाहती है। अब मुलान कमांडर टंग से आकर मिलती है और उनको बोरी खान का प्लान बताती है। पहले कमांडर मुलान की बात सुनना ही नहीं चाहते थे, पर कुछ और सैनिक उन्हें कहते हैं कि आखिर आज हम मुलान की वजह से ही जिंदा है, वह उस वक्त हमें ना बचाती तो शायद आज हम लोग मर गए होते। तो आखिरकार कमांडर मान जाते हैं और वह अपनी सेना लेकर मुलान के साथ एम्परर को बोरी खान से बचाने के लिए निकल पड़ते। कमांडर और मुलान वहां पहुंचे तब तक बोरी खान अपने साथियों के साथ वहां पर आ चुका था और वह एम्परर पर हमला कर देते। वहीं मुलान और कमांडर की सेना भी बोरी खान के साथियों को रोकने में लग जाते। अब बोरी खान ने एम्परर को पकड़ लिया था और वह कहां पर थे या किसी को भी पता नहीं था। तभी मुलान उस जादूगरनी से मिलती है और उसे मदद करने के लिए कहती है, तो जादूगरनी मुलान को रास्ता दिखाती है और मुलान आखिर बोरी खान और एम्परर तक पहुंच जाती है। जादूगरनी को भी बोरी खान को साथ देने पर पछतावा हो रहा था। वह बस एम्परर की और मुलान की मदद करके अपनी गलती सुधारना चाहती थी। अब बोरी खान मुलान को आता हुआ देखकर उस पर तीर चलाता है। तभी जादूगरनी मुलान को बचाती है और उसे वह तीर लग जाता है और वह मर जाती है, पर वह मुलान को आखिरकार बचा लेती है। अब वहां पर सिर्फ मुलान और बोरी खान ही था और एम्परर को बंदी बना रखा था, तो वह चाहते हुए भी मुलान की हेल्प नहीं कर सकते थे। अब मुलान और बोरी खान में मुकाबला होता है। मुलान को अपनी ट्रेनिंग से काफी कुछ सीखने को मिला था। वह धीरे धीरे बोरी खान पर भारी पड़ने लगती है और आखिर बोरी खान को नीचे गिरा देती है और मुलान एम्परर को छुड़ा देती है। अब एम्परर और मुलान साथ मिलकर आखिरकार बोरी खान को मार डालते है। इस तरह से मुलान अपने एम्परर की जान बचा लेती है। एम्परर के बच जाने की और बोरी खान के मारे जाने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। एम्परर मुलान को कहते है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा, आज तुम्हारी वजह से बोरी खान मारा गया और हम लोग सेफ है। ऐसा कहकर वह मुलान को एम्परर गार्ड का इंचार्ज बनने की ऑफर देते, पर मुलान माफी मांगते है और वह ऑफर के लिए मना कर देते। वह कहती है कि वह घर जाकर अपने माँ बाप से मिलना चाहती है और बस बाकी की जिंदगी उनका सहारा बनकर बिताना चाहती है। मुलान वापस अपने घर आती है और अपने पापा से मिलती है और उनकी माफी मांगते है और आखिर उसके पापा मुलान को माफ कर देते। अब तभी वहां पर कमांडर टंग आते और मुलान के पापा से मिलते। वह कहते हैं कि आज मुलान की हिम्मत और साहस से ही हमारे एम्परर जिंदा है और आज पूरा चीन उस बोरी खान के खौफ से आजाद है। तो एम्परर ने मुलान के लिए खास सम्मान के तौर पर एक स्वॉर्ड भेजी है जो कि एम्परर के खास वफादार को ही मिलते है। ऐसा कहकर वह स्वॉर्ड मुलान को दे देते। आखिर मुलान की यह कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। यहीं पर मुलान मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।